आइए बढ़ते आगे। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट समिट में बाजार के दिग्गज रामदेव अग्रवाल से खास बातचीत की हमारे सहयोगी सौरभ पांडे ने, और रामदेव अग्रवाल साहब का मानना है कि आगे बैंकिंग सेक्टर के साथ साथ दूसरे सेक्टर्स में भी अच्छा एक्शन देखने को मिलेगा। आइए सुनते क्या कहना है रामदेव सर का। भाई आप देखो, बाजार में जो फाइनेंशियल क्रेडिट साइकिल आज पेपर में पढ़े, हाईएस्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द टोटल कॉर्पोरेट प्रॉफिट इज कमिंग फ्रॉम बैंक्स। तो ये क्या बैंक का चांदी है अभी, इट इज अ लेंडर्स मार्केट, और क्रेडिट साइकिल क्या लंबा होता है। तो क्रेडिट अभी डेढ़ दो साल से अभी एक साल से ग्रोथ चालू हुआ है, तो अभी थोड़ा डिपॉजिट में पिकअप हो रहा है। तो मेरे ख्याल से क्रेडिट साइकिल लंबा है। आई थिंक अभी भी वी हैव सीन द ट्रेलर इन द क्रेडिट इन द बैंक्स एंड ऑल, आई थिंक फाइनेंशियल्स आर गोइंग टू डू वेल। एंड वो उसके पीछे आई थिंक अदर सेक्टर्स अभी एक बार सब सेटल होगा, थोड़ा एनर्जी प्राइसेस सेटल होगा तो वो भी सब सुधार में आएगा। सो मुझे लगता है कि जो बैंक का जो बुलिशनेस है दैट विल कंटिन्यू। जी सर, जाने से पहले आखिरी सवाल, आने वाले दिनों में बजट की तैयारियां जो है वो शुरू होने को है, आप एज एन इंडस्ट्री लीडर किस तरह से देख रहे हैं इंडस्ट्री को, और आपकी क्या मांगे होंगी जो है आम निवेशक के लिए और अपनी इंडस्ट्री के लिए? सबसे बड़ी मांग है आप कुछ ना करें। आपको टैक्स आ रहा है, 15-20% का ग्रोथ हो रहा है। आप सी क्या है, अनसर्टेनिटी ला के बाजार में कोई मतलब नहीं। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, बाजार में सर्टेनिटी चाहिए, तो आप सर्टेनिटी ही रखें। एकदम कोई चीज़ बहुत जरूरी है कि भाई हमको नहीं इसको बदलना ही है, तभी जाके बदलें, 10 बार सोच के बदलें। डोंट ब्रिंग अनसर्टेनिटी इन द फाइनेंशियल सिस्टम। ओके, तो यह बाजार पर रामदेव सर का नजरिया, जहां पर वो कह रहे हैं कि बैंक्स इस समय बेस्ट लग रहे हैं और फाइनेंशियल सिस्टम में आप बने रहिए, कोई परेशानी नहीं है। आइए